एवरीवन, माय नेम इज श्वेता गौतम और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं प्लूरल फॉर्म्स, सम इररेगुलर प्लूरल फॉर्म्स। आप लोगों ने कभी ना कभी सिंगुलर और प्लूरल पढ़ा और सुना होगा। अगर एक बॉय है तो उसे हम बॉय कहते हैं, लेकिन अगर एक से ज़्यादा है तो हम उसे बॉयज कहते हैं। अगर एक गर्ल है तो उसे हम गर्ल कहते हैं, लेकिन अगर एक से ज़्यादा है तो हम उसे गर्ल्स कहते हैं। सिमिलरली, इफ देर इज़ वन स्टूडेंट वी से स्टूडेंट, बट इफ देर इज There are more than one students, then we will say students. हम एक से ज़्यादा अगर students हैं तो उसे हम students बोलेंगे, student नहीं। तो फिर सवाल ये उठता, मैम ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिर आज की क्लास में आप हमें नया क्या बताने वाले हैं? ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डील विद सम इररेगुलर प्लूरल्स, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता है कि वो मिस्टेक कर रहे हैं, तो वो मिस्टेक्स हमसे ना हो वही आज हम सीखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद इट। द फर्स्ट वर्ड इज फूट। फूट जो पैर का निचला हिस्सा होता है। सो द प्लूरल फॉर्म फॉर फूट विल बी वॉट? फूट्स? नो, इट विल बी फीट, FEET, फीट। ओके, द सेकेंड वर्ड इज टूथ, दांत। टूथ का प्लूरल फॉर्म विल बी टीथ, TEETH, टीथ। ओके, My next word is child. If one child is there, you say child. But if more than one is there, then what will you say? You will say it as children. So the plural form of child will be children. All right. My next word is mouse, which belongs to the category of rats, the species of rats. Okay. So mouse ka plural kya hoga? Mouses? No. It will be mice. MICE, mice. All right. Next is leaf. अगर एक पत्ती है तो आप leaf बोलेंगे, लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो आप क्या बोलेंगे उसे? Leaves. LEAVES, leaves. Clear? अब अगर एक man है तो आप उसे man बोलेंगे, लेकिन if there is more than one तब आप क्या बोलेंगे? तो man का plural होता है MEN, men. हम प्रोनाउंस मेन ही करेंगे, बट इंस्टेड ऑफ ए वी विल राइट ई, एक ही जगह पे हम ई लिखेंगे और वो हमारा प्लूरल बन जाएगा। फिर चलते हैं आगे, नेक्स्ट वर्ड इज वुमन। एक औरत है, वी से इट वुमन, और अगर एक से ज्यादा है तब हम उसे लिखेंगे वुमेन। नो, उसे हम बोलेंगे वी मेन। ठीक है, देखिए देखने में हमें ये वुमेन ही लग रहा है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ए को ई किया था, वैसे ही हमने यहाँ पे भी एम ए एन को एम ई एन कर दिया है, लेकिन द प्रोनंसिएशन विल बी वी मैन। ओके, आपको वुमेन नहीं बोलना है, आपको वुमेन नहीं बोलना है, आपको विमेन कहना है। ओके, ये सारे फिर भी आसान है, बट इससे भी हार कैटेगरी, थोड़ी सी टफर कैटेगरी की तरफ हम चलते हैं, विच इज हियर ऑक्स। एक ऑक्स है तो आप ऑक्स बोलेंगे, बट अगर एक से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे? ऑक्सेस? नो, इट विल बी ऑक्सन, ओ एक्स ई एन। देखो, ऑक्सेंस नहीं ऑक्सन, ऑक्सेस नहीं ऑक्सन, एन। ओके, देन नेक्स्ट इज गूज, विच इज एन एनिमल। गूज फॉर सिंगुलर यू विल यूज गूज, फॉर प्लूरल यू विल यूज गीज, GEESE, गीज। ठीक है, अब यहां से जो हम शुरुआत कर रहे हैं, इनमें तो मैंने बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी गलत बोलते हुए सुना है। ठीक है, सो आप ये मिस्टेक्स मत कीजिए, क्योंकि हमको पता ही नहीं है। बहुत बार तो प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, अगर हमें पता है ना हम गलत है तो हम उसे सही कर सकते हैं, पर हमें पता ही नहीं होता कि हम गलत बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। देखिए, शिप विच इज एन एनिमल, द प्लूरल फॉर्म ऑफ शिप विल बी शिप इटसेल्फ। उसमें ships नहीं होगा, इट विल हैव नो चेंज इन द प्लूरल फॉर्म। शिप का प्लूरल फॉर्म शिप ही रहेगा। क्लियर? देन नेक्स्ट, फिश। मैंने सुना है लोगों को बोलते हुए फिशेस, विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग यूसेज ऑफ इंग्लिश। अगर साइंटिफिकली आप स्पीशीज के बारे में बात करते हैं तब आप वहां पर फिशेज यूज कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली व्हेन यू आर यूजिंग द प्लूरल फॉर्म ऑफ फिश
it will be fish itself. It will have no change. Okay? So fish will remain fish itself. Then comes deer, which is an animal. See, D-E-A-R, deer, is a word which we use for our loved ones. Lekin D-E-A-R, deer, is an animal. Aur iska plural form kya hoga? Deers? No. It will be deer again. Koi changes nahi hone wale hai. Okay? Next word is aircraft. Ek aircraft hai, to aircraft boliye. Agar ek se zyada hai to? तब भी हमको एयरक्राफ्ट ही बोलना है, एयरक्राफ्ट नहीं बोलना है. इट विल बी एयरक्राफ्ट ओनली, एयरक्राफ्ट, ए आई आर सी आर ए एफ टी, एयरक्राफ्ट. करेक्ट. नेक्स्ट सी फॉर्मूला. आपने मैथ्स में सुना होगा या केमिस्ट्री में फॉर्मूला वर्ड बहुत सुना होगा, और एक से ज्यादा फॉर्मूला है तो हम बोलते हैं अरे बहुत सारे फॉर्मूलाज हमने लर्न कर लिए हैं, विच इज रॉन्ग. फॉर्मूला का प्लूरल विल बी formulae, F O R M U L A E, formulae. Correct. Next comes fungus, which is a microorganism. आपने सुना होगा ब्रेड्स में फंगस लग जाते हैं, ब्रेड में फंगस लग जाते हैं, तो फिर फंगस का प्लूरल क्या होगा मैम? Funguses? No, it will be fungi, or you can also pronounce it as fungi. F-U-N-G-I, fungi. इसको आप fungi भी बोल सकते हैं. Alright. Next is radius. एक circle में half of diameter होता है उसका radius. So if more than one radius is given, what will you pronounce it? What will you say it? It will be radii. Correct? नेक्स्ट इज बैक्टीरियम. अब ये बैक्टीरियम वर्ड तो मैंने बेयरली सुना हुआ है, ठीक है. नॉर्मली लोग बैक्टीरिया 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 कहते हैं. बैक्टीरिया इटसेल्फ इज अ प्लूरल फॉर्म. सिंगुलर फॉर्म इज बैक्टीरियम, और उसका प्लूरल फॉर्म जो हम बोलते हैं विच इज बैक्टीरिया. बैक्टीरिया इट्स अ प्लूरल फॉर्म. ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कमिंग टू दिस वर्ड पर्सन, अगर एक पर्सन है तो पर्सन, अगर एक से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे? पर्सन्स? नो, टू पर्सन्स आर स्टैंडिंग, रॉन्ग. इट विल बी पीपल. पर्सन को हम प्लूरल में पीपल लिखते हैं. पीपल, एम आई क्लियर? सो गलत यूज नहीं करना है, पर्सन का प्लूरल फॉर्म पीपल बोलना है. ओके, देन नेक्स्ट इज ऑक्टोपस, एन एनिमल, एन एक्वाटिक एनिमल विच हैज एट लेग्स. तो ऑक्टोपस का प्लूरल क्या होगा? ऑक्टोपसेस. It will be octopi. Octopi. Okay? So, these are some irregular plurals जो मैंने आपको आज की क्लास में बताए हैं. I hope it is going to be a useful session for you. चाहे आप किसी academic session के लिए prepare कर रहे हो, चाहे आप किसी competitive exams के लिए prepare कर रहे हो. कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसे कुछ वर्ड्स दे दिए जाते हैं, इन्हें ऑप्शंस में दे दिया जाता है, और हमें सही चूज करने के लिए बोला जाता है, एंड वी एंड अप चूजिंग द रॉन्ग वंस. तो ये गलती नहीं करनी है, इसको अच्छे से समझ